के सिलेबस में यूनिट संख्या 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस अर्थात अवकल समीकरण इसके बारे में पढ़ेंगे। अवकल समीकरण क्या होती है? एक ऐसी समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और उनके अवकल गुणांक अर्थात डीवाई अपॉन डीएक्स स्थित हों, ऐसी समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। एन इक्वेशन विच कंटेन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एन डिफरेंशियल इक्वेशंस। यहाँ मैं कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस के एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे पहली है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन, ये दूसरी है, तीसरी, चौथी और पाँचवीं। इसमें ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इसका डिफरेंशियल कोफिशियंट है डी वाई अपॉन डी एक्स अवकल गुणांक। डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम इनके ऑर्डर और इनकी डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्डर का अर्थ है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है, उच्चतम क्रम का अवकलन गुणांक, वो उसका ऑर्डर होता है। और डिग्री का अर्थ है उस हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव के ऊपर जितनी पावर होती है, घात होती है, वो उसकी डिग्री होती है। जैसे पहली इक्वेशन का ऑर्डर एक है डी टू, और इसकी होल पावर एक है, इसलिए इसकी डिग्री भी एक है। दूसरी इक्वेशन में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसकी होल पावर एक है, तो इसका ऑर्डर दो है जबकि डिग्री इसकी एक है। थर्ड इक्वेशन में ये डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसकी डिग्री तीन हो गई और डिग्री इसकी एक है। चौथी इक्वेशन में ये डी वाई अपॉन डी एक्स ए के ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर इसका एक और इसकी होल पावर एक है, तो इसकी डिग्री भी एक। ये पांचवी इक्वेशन रो इक्वल टू वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर होल पावर थ्री बाई टू अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको ज़रा रेशनलाइज कर लेते हैं परिमेयीकरण इसका। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को राइट हैंड लेफ्ट हैंड में मल्टीप्लाई किया और उसके बाद में इसका स्क्वायर कर दिया दोनों ओर का, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो इसका ऑर्डर दो हो गया और उसकी होल पावर भी दो है, तो डिग्री भी इसकी दो हुई। अब हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स, इस डी एक्स को मैंने राइट हैंड में मल्टीप्लाई किया, दोनों ओर का इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रल डी वाई इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डी एक्स प्लस ये कॉन्स्टेंट सी ऐड किया इधर राइट हैंड में, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हुआ। अगर यदि इसमें कुछ कंडीशंस दे रखी होती, फॉर एग्जांपल जब एक्स की वैल्यू वन है तब वाई की वैल्यू जीरो, तो ये कंडीशंस हम इस जनरल सॉल्यूशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। वाई की जगह जीरो सब्सटीट्यूट किया, एक्स की जगह वन, तो ये इक्वेशन होगी जीरो इक्वल टू वन बाई टू प्लस सी, जिससे सी की वैल्यू माइनस वन बाई टू आ गई। सी की वैल्यू वापस उस जनरल सॉल्यूशन में सी की जगह सब्सटीट्यूट कर दी, तो अपना सॉल्यूशन हो गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई टू, तो ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। अब हम इन डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये सात प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। पहले नंबर की वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशंस, दूसरे नंबर की इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, थर्ड नंबर की होमोजीनियस इक्वेशंस, फोर्थ इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस फॉर्म, फिफ्थ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सिक्स्थ है इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिनको हम बर्नौली इक्वेशन भी कहते हैं, और सातवें नंबर की है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए हम बारी बारी से इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड वाली इक्वेशंस को। यहाँ मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। देखिए इक्वेशन है sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू जीरो। इसमें हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे। वेरिएबल सेपरेशन का अर्थ यह है कि ये जो इक्वल टू का साइन है, इसके एक तरफ तो dx और दूसरी तरफ dy। dx की ओर केवल x का फंक्शन होना चाहिए और dy की तरफ केवल y का फंक्शन होना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम कर देते हैं तो वो कहलाता है वेरिएबल सेपरेशन। तो आइए हम इसका वेरिएबल सेपरेट करते हैं। इसके इस इक्वेशन में मैंने tan x tan y से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को,
तो इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy। दोनों ओर का इंटीग्रेशन किया, sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx इंटीग्रल इक्वल टू ये हो गया, इंटीग्रल कर लिया। लेफ्ट हैंड का इंटीग्रल log tan x इक्वल टू राइट हैंड का इंटीग्रल माइनस log tan y प्लस कॉन्स्टेंट जो c ऐड किया था उसको हमने log c लिख दिया क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो log में आ रहे हैं। राइट हैंड का माइनस log tan y लेफ्ट हैंड में से ट्रांसफ़र कर दिया और उसके बाद हम log की प्रॉपर्टी के अनुसार इनको tan x log tan x tan y ये लिख लिया इक्वल टू log c, दोनों तरफ का log हटा दिया तो फाइनली tan x tan y इक्वल टू c, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन है। अब हम ऐसी इक्वेशंस पढ़ेंगे जिनमें वेरिएबल इजीली सेपरेट नहीं हो रहे होते हैं, परंतु एक नया वेरिएबल उसमें अगर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वेरिएबल इजीली सेपरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, अगर हम इसमें वेरिएबल सेपरेट करना चाहें तो वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड में डी वाई है तो इसमें कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई में से हम वाई को निकाल कर लेफ्ट हैंड में नहीं ले जा सकते, परंतु यदि हम इसमें एक नया वेरिएबल वी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, अगर हम एक्स प्लस वाई को वी ले लेते हैं तो उसके बाद में वेरिएबल ईजिली सेपरेट हो जाएंगे। एक्स प्लस वाई को वी लिया, डिफरेंशिएशन किया, एक्स का वन वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी का डी वी अपॉन डी एक्स, इस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो गई डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वन, ये हो गई। ये वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह आ गया डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वन इक्वल टू कॉस ऑफ वी, माइनस वन जो है उसको राइट हैंड में ट्रांसफर कर दिया, राइट हैंड हो गया वन प्लस कॉस वी। वेरिएबल सेपरेट किए तो इसके लिए वन प्लस कॉस वी को मैंने डी वी के अपॉन में लिख दिया लेफ्ट हैंड में ला के और डी एक्स को राइट में, दोनों ओर का इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रल डी वी अपॉन वन प्लस कॉस वी इक्वल टू इंटीग्रल टेन डी एक्स प्लस सी। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के अनुसार वन प्लस कॉस वी की वैल्यू टू कॉस स्क्वायर वी बाई टू सब्सटीट्यूट की, डी एक्स का इंटीग्रल एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये जो टू है इसको इंटीग्रल साइन से पहले लिख लिया वन बाई टू, इंटीग्रल कॉस स्क्वायर को ऊपर ले गए सेक स्क्वायर हो गया वी बाई टू डी वी इक्वल टू एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर वी बाई टू का इंटीग्रल टेन वी बाई टू इंटू टू इक्वल टू एक्स प्लस सी, टू टू कैंसिल हो गया टेन वी बाई टू इक्वल टू एक्स प्लस सी, वी की वैल्यू सब्सटीट्यूट की वी की वैल्यू थी एक्स प्लस वाई, तो फाइनली ये आंसर हो गया टेन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू एक्स प्लस सी।